बात कर लेते हैं पहली न्यूज के बारे में। फेसबुक मैसेंजर का एंड टू एंड इंक्रिप्शन का ऑप्शन अब ग्रुप चैट्स के लिए भी अवेलेबल हो गया है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता क्या है। ये फेसबुक का एक प्राइवेसी फीचर है जिसकी मदद से कोई और आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता। जैसे अगर आप चैट कर रहे हैं तो सेंडर और रिसीवर के अलावा उन चैट्स को कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि फेसबुक के डेवलपर्स भी उन चैट्स को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का यह ऑप्शन चैट्स के लिए फेसबुक में 2016 से अवेलेबल है, बट अगस्त 2021 में यह ऑप्शन 1-to-1 वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स के लिए भी अवेलेबल हो गया था। और अब ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन ग्रुप चैट्स, ग्रुप वॉइस कॉल्स और ग्रुप वीडियो कॉल्स के लिए भी अवेलेबल हो गया है। मैं बता देता हूँ कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपको कैसे इनेबल करना है। सबसे पहले आप पेंसिल आइकन पर क्लिक करके नया ग्रुप बनाएंगे। मेंबर्स ऐड करने के बाद आपको लॉक स्लाइडर पर क्लिक करना है और क्रिएट ग्रुप पर क्लिक कर देना है। फिर आप ग्रुप चैट्स, ग्रुप वॉइस कॉल्स और ग्रुप वीडियो कॉल्स इनक्रिप्टेड रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। राजा एम कोदोरी, जो कि चीफ आर्किटेक्ट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इंटेल आर्किटेक्चर ग्राफिक्स एंड सॉफ्टवेयर के, हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि आई एम विद यू पीसी गेमर्स और जल्द ही आपके लिए इंटेल की तरफ से आर्क जीपीयू देखने को मिल जाएगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है पीसी गेमर्स के लिए। इस साल आपको इंटेल आर्क जीपीयू देखने को मिल जाएगा जो कि एक कॉम्पिटिशन क्रिएट करेगा एएमडी और एनवीडिया के लिए। इस इंटेल आर्क जीपीयू के सक्सेस चांस ज़्यादा हैं क्योंकि इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ इंटेल के जीपीयू की कंपेटिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, प्लस ये काफ़ी सारे गेम्स के साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इंटेल एएमडी और एनवीडिया की बराबरी कर पाता है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। हाल ही में विंडोज़ के डेवलपर्स की तरफ से एक आर्टिकल सामने आया है जिसके अकॉर्डिंग विंडोज़ 10 के अपडेट्स डाउनलोड होने के बाद उसके अपडेट्स इंस्टॉल होने के लिए और सिक्योरिटी पैचेस को प्रॉपरली इंस्टॉल होने के लिए मिनिमम उस पीसी को 6 आवर्स की इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए। अगर आप विंडोज़ अपडेट डाउनलोड करते हैं और मिनिमम 2 आवर्स कंटिन्यूस इंटरनेट और 6 आवर्स टोटल इंटरनेट कनेक्शन नहीं देते हैं तो आपकी विंडोज़ प्रॉपर अपडेट नहीं हो पाएगी और मे बी करप्ट भी हो सकती है। तो अगर आप अपनी विंडोज़ 10 को अपडेट कर रहे हैं तो एक स्टेडी और कंटिन्यूस इंटरनेट कनेक्शन इंश्योर कर लें, अदरवाइज आपकी विंडोज़ क्रैश भी हो सकती है। बट अगर आप विंडोज़ 11 अपडेट करते हैं तो विंडोज़ 10 के कंपैरिजन में बहुत कम टाइम लेगी अपने सिक्योरिटी पैचेस और बाकी अपडेट्स को प्रॉपर इंस्टॉल करने के लिए। बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। Alienware अब तक का थिनेस्ट लैपटॉप लॉन्च करने वाला है X14 के नाम से। इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन सिर्फ थिनेस्ट होना ही नहीं और बहुत कुछ है। इसमें आपको देखने को मिलेगा Intel i7 12th जनरेशन तक का प्रोसेसर, 6GB DDR6 NVIDIA GeForce GPU, 14-inch HD डिस्प्ले, DDR5 32GB RAM, 2TB NVMe M.2 SSD। इसमें आपको देखने को मिल जाएगी 80 आवर्स तक का बैकअप देने वाली बैटरी। तो चलिए बात करते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। लोकसभा सचिवालय ने 27 जनवरी 2022 को डिजिटल संसद नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए, यह एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ही अवेलेबल है। यह ऐप संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत अपडेट की जांच करने, हाउस बुलेटिन, उनके नोटिस की स्थिति आदि जैसी सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद करेगा। सांसदों के सदन के अंदर लैपटॉप का इस्तेमाल करने पर रोक है। इस प्रकार यह ऐप सांसदों के लिए सदन में भी किसी भी बहस के दौरान संसदीय जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगी होगा। भविष्य में यह ऐप सांसदों की उपस्थिति के लिए लॉगिन करके प्रश्नकाल के लिए प्रश्न देने के साथ साथ वाद विवाद तथा प्रस्तावों के लिए नोटिस जमा करने में भी हेल्प करेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। इस साल आपको गेमिंग क्रोमबुक्स देखने को मिल जाएंगी। क्रोमबुक्स बेसिकली क्रोम OS पर चलने वाले लैपटॉप्स की सीरीज है जो अबव एवरेज कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं और नॉर्मल टास्क जैसे इंटरनेट सर्फिंग के लिए सफिशिएंट होते हैं। अभी अपने लैपटॉप्स को गेमिंग फोकस बनाने पर जोर दे रहे हैं। अब इन लैपटॉप्स की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी हाई एंड हो जाएगी, प्लस इसमें आपको RGB कीबोर्ड भी देखने को मिल जाएगा जो कि डिटैचेबल भी हो सकता है। तो इस साल आपको गेमिंग क्रोमबुक्स मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो लगी हो हेल्पफुल तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।